हेलो गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्ज में कुछ बदलाव किए हैं, जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट BSBDA यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, जिसे हम लोग आम भाषा में जनधन अकाउंट कहते हैं, तो इस अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन थी जिसे आपको निभाना होगा, अदरवाइज आपको जहाँ पर चार्ज लग सकता है। देखिए, इस अकाउंट के तहत आप महीने में 4 बार ही ATM के जरिए या फिर बैंक के जाकर के आप कैश विड्रॉ कर सकते थे। इसके अलावा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब से आप कर पाएंगे। लेकिन 5वां ट्रांजेक्शन जैसे भी होगा, चाहे बैंक से हो या फिर बैंक के ATM से, तो आपको 15 रुपया प्लस GST आपको पे करना पड़ जाएगा। वहीं इसी अकाउंट में आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 स्लिप का चेकबुक फ्री देता था। 10 स्लिप का अगर एक्स्ट्रा आप यहाँ पे डिमांड करते तो वहाँ पे वो 40 रुपया प्लस GST पे करना पड़ जाएगा। और वहीं अगर 25 स्लिप का अगर चेकबुक का डिमांड करते हैं तो आपको 75 रुपये प्लस GST पे करना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि इस जो सर्विस चार्ज है, ये सर्विस चार्ज सीनियर सिटीजन पर लागू नहीं होगा। कुछ यहाँ पे जो कॉर्पोरेट अकाउंट है जिनका सैलरी अकाउंट है, उस पर लागू नहीं होता।